द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी टैक्सी ड्राइवर। मूवी की शुरुआत होती है और हमें 1970 का वक्त दिखाया जाता है। एक एक्स मरीन ऑफिसर ट्रेविस बिकर अपने बीते दिनों के कुछ हादसों से परेशान रहता है, जिस वजह से उसे अक्सर रातों को नींद नहीं आती थी। तो अपना वक्त गुजारने के लिए वो एक टैक्सी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी पकड़ लेता है, जिसके बाद वो अपना ज्यादातर वक्त अपनी टैक्सी में ही बिताया करता था या फिर मैनहट्टन की सड़कों पर। ट्रेविस की अगर निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उसे अकेला रहना ही ज्यादा पसंद रहता है, क्योंकि जिंदगी और लोगों को लेकर उसका बीता वक्त उसकी सोच पर एक अलग ही तरीके से हावी रहता है। उसके मुताबिक ये दुनिया बहुत बुरी रहती है और ये सारी बातें उसे और परेशान तब करती है जब वो हर रोज अपनी टैक्सी चलाते वक्त सड़कों पर बदमाश लोगों को, शरीफ लोगों को परेशान करते देखता है, दलालों को लड़कियां सप्लाई करते देखता है और लड़कियों को खुलेआम धंधा करते पाता है। और ये सब देखकर उसका मन भगवान से हर वक्त बस एक ही विश करते रहता है कि एक दिन ऐसी बारिश हो जिसमें ये सारे लोग किसी कीड़े की तरह गटर में बह जाए, क्योंकि उसका ये मानना रहता है कि उसके अलावा कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। पर जल्द ही सब कुछ बदलने वाला रहता है। ट्रेविस को एक लड़की मिलती है जिसे देखकर ट्रेविस एक पल में भूल जाता है कि वो कभी लड़कियों से नफरत किया करता था। दरअसल ट्रेविस को लड़कियों से नफरत रहती है क्योंकि उसका मानना ये रहता है कि लड़कियां मर्दों को सिर्फ इस्तेमाल करती है, पर इस लड़की में उसे कुछ अलग महसूस होता है। इसका नाम बैटसी रहता है। ट्रेविस के नजरों में बैटसी प्योर और बहुत ही खास रहती है। ट्रेविस बैटसी को हर रोज दूर से अपनी टैक्सी में बैठे बैठे घंटों देखता रहता था उसके ऑफिस के बाहर आकर। बैटसी एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वैलेंटाइन के इलेक्शन कैंपेन की एडवाइजर रहती है और यहाँ बैटसी की वजह से ट्रेविस भी वैलेंटाइन को ही सपोर्ट करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि बैटसी अगर उसके लिए काम कर रही है तो वो भी जरूर अच्छा आदमी होगा। इसी बीच ट्रेविस एक दिन हिम्मत करके सीधे बैटसी से बात करने जाता है ताकि वो उसे अपने दिल की बात बता सके, और क्योंकि वो अपने असूलों वाला आदमी रहता है तो वो सीधे बैटसी से जाकर किसी जेंटलमैन की तरह उससे अपने दिल की सारी बातें कह देता है, जिसे सुनकर बैटसी भी काफी इंप्रेस होती है और फिर इनकी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। पर वहीं दूसरी तरफ ट्रेविस की नफरत बुरे लोगों के खिलाफ और बढ़ती जाती है। दरअसल एक रात टैक्सी चलाते वक्त उसके टैक्सी में एक 12 साल की बच्ची आकर अचानक बैठ जाती है और उसे जल्दी वहां से चलने को कहती है, पर इससे पहले वो गाड़ी चालू करता है एक आदमी वहां आकर उसके टैक्सी से उस बच्ची को खींच कर जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला जाता है। और ट्रेविस इस मामले में कुछ नहीं कर पाता और ये बात उसे और परेशान करने लगती है, जिसके बाद इन सब से अपना ध्यान हटाने के लिए ट्रेविस बैटसी के साथ अपना वक्त बिताने का सोचता है और इसके लिए वो उसे एक थिएटर लेकर जाता है जहां उसने काम करते वक्त कई सारे कपल्स को जाते देखा था। पर उसे पता नहीं रहता कि उस थिएटर में गंदी फिल्में दिखाई जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि सारे कपल्स जाते हैं तो वो कोई रोमांटिक फिल्म होगी। और इस बात से बैटसी बुरा मान जाती है। उसे लगता है कि ट्रेविस की नीयत खराब है, वो ये सारी चीजें बस उसके साथ सोने के लिए कर रहा है। और इस गलत फहमी की वजह से बैटसी उससे दूर हो जाती है और ऐसा होते ही ट्रेविस खुद को और अकेला महसूस करने लगता है और उसके मन में बस एक ही बात चलने लगती है कि वो गलत था, बैटसी भी बाकी घटिया औरतों की तरह ही निकली, जिस वजह से उसे लड़कियों से और भी ज्यादा नफरत हो जाती है। और उसके इस सोच को एक और बात बढ़ावा देती है। बैटसी से अलग होने के बाद जब ट्रेविस टैक्सी चला रहा होता है तब उसे एक अजीब सा पैसेंजर मिलता है। वो उसे एक अपार्टमेंट के पास लेकर जाता है और उसे उसके साथ कुछ देर वहीं रुकने को कहता है, क्योंकि उसे अपनी बीवी पर नजर रखनी होती है जो उसे किसी सड़क छाप आदमी के लिए धोखा दे रही होती है। और तभी इसी दौरान वो ट्रेविस से अपने दिल की बात बताता है कि उसने अपनी बीवी से पूरी जिंदगी भर प्यार किया था, पर बदले में उसे क्या मिला? बस धोखा। और अब उसका मन बस यही कर रहा है कि वो अपनी बीवी को अपने गन से गोली मार दे। उस आदमी की बात ट्रेविस के दिल पर लगती है, पर वो बैटसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचता, क्योंकि उसके नजर में जितनी गलती उस औरत की रहती है उतनी ही उस सड़क छाप आदमी की, क्योंकि उसने जानबूझकर एक बसा बसाया घर तोड़ दिया था। और इस बात से उसके मन में अब आवारा लोगों के लिए और नफरत भर जाती है और उसका विश्वास और उम्मीद उस वक्त पूरी तरह से तब टूट जाता है जब एक दिन वैलेंटाइन इत्तेफाक से खुद उसके टैक्सी में आकर बैठता है। और इस दौरान जब ट्रेविस उससे सवाल करता है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो हर तरह की बुराई खत्म करने के लिए वो क्या करेगा, तो वैलेंटाइन उसे वो जवाब नहीं दे पाता जो उसके मन की उलझनों को शांत कर सके। और इस वजह से ट्रेविस को लगता है कि वैलेंटाइन बस अपने फायदे के लिए प्रेसिडेंट बनना चाहता है, और इस वजह से आखिर में उसकी जिंदगी उसे एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देती है जिसमें एक गलती और उसकी जिंदगी खत्म। पर ट्रेविस अब जिंदगी और मौत के इस नाटक से ऊपर उठ चुका होता है। उसके लिए अब इन सब चीजों के कोई मायने नहीं रह जाते, और अब अगर उसके लिए कुछ मायने रखता था तो वो है एक बदलाव, एक एग्जांपल, जिससे लोगों में इंसानियत फिर से जाग सके। ट्रेविस को लगता है कि लोगों को एक हीरो की जरूरत है जो इन सब चीजों की शुरुआत कर सके, और ये जोखिम वो खुद उठाने को तैयार हो जाता है। और इसके लिए वो सबसे पहले 4 अलग अलग तरह के गन्स खरीदता है और उनमें अपने हिसाब से कुछ बदलाव करता है ताकि वो अपनी मर्जी से उन्हें किसी भी सिचुएशन में यूज कर सके, और फिर दिन रात अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। और जैसा कि मैंने कहा, उसके दिमाग में बस दो बातें चल रही
रही होती है बदलाव और एग्जाम्पल। तो बदलाव लाने के लिए वो उस बच्ची को बचाने का डिसाइड करता है जो उसकी टैक्सी में आकर बैठी थी, ताकि वो उसे उस नर्क से निकालकर एक आम जिंदगी दे सके और समाज में बुराई खत्म करने का एग्जाम्पल सेट करने के लिए। वैलेंटाइन को सभी लोगों को सामने मारने की तैयारी करता है। अपनी पूरी तैयारी के दौरान वो उस बच्ची से एक बार मिलने जाता है, पर उससे मिलना उसके लिए इतना आसान नहीं रहता। वो सेक्स रैकेट चलाने वाले दलालों की गुलाम रहती है, जिस वजह से ट्रेविस को उससे मिलने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। फिर उस बच्ची से मिलते हैं ट्रेविस। सीधे उससे कहता है कि वो उसके साथ कुछ गलत करने नहीं आया है, वो बस उससे थोड़ी देर बात करना चाहता है। ट्रेविस की बिहेवियर देखकर वो बच्ची उससे बात करने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि वो पहला इंसान रहता है जो उससे सिर्फ बातें करने आया होता है। बात करते वक्त ट्रेविस को पता चलता है कि उसका नाम आयरिस है और वो उस रात नशे में थी और खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए वो आदमी उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया था। और वो जब चाहे इस काम को छोड़ सकती है, पर वो छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वो अपने घर से भाग कर आई है, क्योंकि वो जिस जगह से आई है उस जगह बहुत करीबी है। ऊपर से उसके माँ बाप उतने रईस नहीं है कि उसके सपने पूरे कर सके। आयरिस की बात सुनकर ट्रेविस समझ जाता है कि उन दलालों ने उसका बुरी तरह से ब्रेन वॉश करके रखा है। तो वो आयरिस से किसी और जगह पर मिलने को कहता है, एक अच्छी जगह जहाँ शरीफ लोग आते हो। ट्रेविस के कहने पर आयरिस उसके साथ रेस्टोरेंट में भी मिलने को तैयार हो जाती है, क्योंकि ट्रेविस ने उसे जितनी इज्जत दी होती है उसे आज तक किसी ने नहीं दी थी। पर रेस्टोरेंट में भी आयरिस ट्रेविस से वही सब दोबारा कहती है जो उसने पहले कहा था, कि वो अपने मन से ये सब कर रही है, वरना वो इस वक्त उसके साथ रेस्टोरेंट में बैठी नहीं होती। पर इस बार ट्रेविस के पास उसके हर बातों का जवाब रहता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो अभी जैसी जिंदगी जी रही है उसकी कोई मंजिल नहीं है, और जिस गलत फैमिली में वो है कि वो जब चाहे ये काम छोड़ सकती है, तो वो इस बारे में बिल्कुल गलत है। उसे बस तभी तक अपने मन का करने दिया जा रहा है जब तक वो उनके काम आ रही है, वरना जिस दिन उसने अपने काम को छोड़ने का डिसाइड किया उस दिन वो लोग उसका वजूद मिटा देंगे। ट्रेविस की बात सुनकर आयरिस को थोड़ा रियलाइज होता है कि ट्रेविस सही कह रहा है, उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर जब वो ये बात अपने बॉयफ्रेंड को जाकर बताती है कि अब वो ये काम छोड़ना चाहती है, तब उसका बॉयफ्रेंड जो कि उसका दलाल भी रहता है, वो उसका फिर से ब्रेन वॉश कर देता है उसे झूठे सपने दिखाकर, और उसके मन से इस काम को छोड़ने का ख्याल निकलवा देता है। पर ये बात ट्रेविस को पता नहीं रहती। वो इधर अपनी अब तक की सारी कमाई आयरिस को एक लेटर के साथ भेज देता है, क्योंकि वो जानता था कि आगे जो वो करने जा रहा है उस काम को पूरा करने के बाद वो नहीं बचने वाला। और फिर उसी दिन वो वैलेंटाइन को मारने पूरी तैयारी के साथ निकल जाता है, लेकिन इस काम में भी वो चूक जाता है। लोगों की भीड़ में वो अपने हथियारों के साथ पहुंच तो जाता है, पर जैसे ही वो वैलेंटाइन को शूट करने वाला होता है, उसके सीक्रेट बॉडीगार्ड्स उसे देख लेते हैं, जिस वजह से ट्रेविस को वहां से मजबूरन भागना पड़ता है। पर इतना सब होने के बाद भी वो नहीं रुकता। वापस आने पर जब उसे पता चलता है कि आयरिस अभी भी उन दलालों के चुंगल में ही है, तो वो बिना वक्त गवाए निकल जाता है उसे आजाद करवाने। उनके अड्डे पर पहुंचकर ट्रेविस सबसे पहले उसके बॉयफ्रेंड को मारता है, और फिर एक एक करके जितने भी लोग उसके सामने आते हैं वो उन सभी को मार देता है। पर इन सब में उसे भी बहुत गोली लगती है और उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है। पर तभी उतनी गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस वहां आ जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन जख्म गहरे होने की वजह से वो कुछ वक्त के लिए कोमा में चला जाता है। पर जितने दिनों तक वो कोमा में रहता है, उतने दिनों में लोग उसके इस कारनामे की वजह से हीरो बना देते हैं, और लोगों के सपोर्ट की वजह से उस पर कोई मुकदमा नहीं चला जाता। इसी बीच आयरिस के पिता भी उसे एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो आयरिस को उन तक वापस पहुंचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और जब ट्रेविस को कुछ दिनों बाद होश आता है, तब उसे भी पता चलता है कि उसने अपने दो कामों में से एक काम कर दिया, जो कि था लोगों में बदलाव लाने का, और इसी काम से वो खुश होता है और अपने दूसरे काम को भूल जाता है। और आखिर में एक दिन टैक्सी चलाते वक्त बैटसी उसके टैक्सी में आकर बैठती है, पर एक पैसेंजर के तौर पर नहीं। उसकी फीलिंग्स अब ट्रेविस के लिए फिर से बदल गई रहती है, और ट्रेविस के अंदर की नफरत भी मिट गई रहती है, और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।